Hi friends, my name is Anshul. And I'm Sachin. Welcome to Fitness Wale. Guys, आज हमारा टॉपिक है आर्म्स एनाटॉमी. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाइसेप्स एनाटॉमी के बारे में बात करी थी. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्राइसेप्स एनाटॉमी के बारे में. भाई फ्रेंड्स देखते हैं. So guys, बात करते हैं ट्राइसेप्स की. ट्राइसेप्स के अंदर होते हैं तीन पार्ट. एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है मिडिल हेड, एक होता है लेटरल हेड. सबसे पहले अपन लॉन्ग हेड की बात करते हैं. अगर आप बैक से देखेंगे ट्राइसेप्स का तो मैक्सिमम जो पार्ट दिखेगा ट्राइसेप्स का वो होगा लॉन्ग हेड. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है लॉन्ग हेड. इसके लॉन्ग हेड के जस्ट नीचे छोटा सा पार्ट होगा, वो होगा आपका मीडियल हेड. ये बहुत छोटी मसल होती है लॉन्ग हेड के जस्ट नीचे. अब अपन साइड व्यू से देखते हैं. साइड व्यू से देखेंगे तो मैक्सिमम जो पार्ट दिखेगा आपको ट्राइसेप्स का वो होगा लेटरल हेड. अगर आपको आर्म्स आपके अच्छे दिखाने हैं तो आपको ट्राइसेप्स ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्राइसेप्स अपने आर्म्स का 60% होता है. इन तीनों मसल को ट्रेन करने के लिए कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं. सो गाइस, अब तक हमने बात की ट्राइसेप्स के तीनों मसल्स के बारे में. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के लिए. सो अगर आप ट्राइसेप्स तीनों मसल यानी लेटरल, मिडिल से लॉन्ग ट्रेन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं केबल रोज पुश डाउन. इसमें आपके तीनों ट्राइसेप्स की मसल इन्वॉल्व होगी. सेकेंड आप लगा सकते हैं बेंच डिप. इसमें आपके ट्राइसेप्स की लेटरल प्लस मिडिल मसल ट्रेन होगी. एंड लास्ट आप एक्सरसाइज लगाते हैं स्कल क्रशर. जो भी आप एक्सरसाइज ओवरहेड लगाएंगे उसमें आपके ट्राइसेप्स का लॉन्ग प्लस मिडिल हेड ट्रेन होगा. सो तीनों एक्सरसाइज के बारे में हम आपको वीडियो के एंड में समझा देंगे. साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा कौन से मसल को क्या कहते हैं.